डिरेलर ख़राब किस टाइप का हुआ हम आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए डिरेलर जो है गाइस इस टाइप में आपका रहेगा, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए टाइप में नहीं होने के वजह जब हम छोड़ दे रहे हैं तो ये देखिए सामने की ओर भाग जा रहा है। ठीक, बोल्ट खोलने के बाद देखिए डिरेलर बाहर आ चुका है। तो जैसा कि आप डिरेलर देख पा रहे हैं इस तरह से आपको घुमाना, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, हम इस तरह से घुमाएँ और इस तरह से आपको प्लायर से जो हल्का सा इसे बेंड कर देना, ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं करना। ठीक है, इस तरह से आपको बेंड कर देना। देखिए हम लॉक को बेंड कर दिए तो यहाँ देखिए लॉकिंग हो गया, एकदम अनशिफ्ट भी हो रहा है और शिफ्ट भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जैसा कि आप गाइस जैसा कि ये साइकिल का आप गियर डिरेलर देख पा रहे हैं तो इसका जो डिरेलर है गाइस वो आपका ख़राब हो चुका है। ऐसे तो गाइस बताना चाहेंगे डिरेलर जो होता है बहुत तरह का, बहुत प्रकार का होता है और बहुत तरह का ख़राब भी होता है, लेकिन किस टाइप का ख़राब डिरेलर को आप रिपेयर कर सकते हैं खुद से या रिपेयर होता है क्या जाता है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से और स्टेप बाई स्टेप बताने वाले हैं। अगर आपका साइकिल का डिरेलर इस तरह का है और ये डिरेलर अगर ख़राब हो जाता है तो उसे आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, तो चलिए आप लोग का कीमती समय ज़्यादा ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं। तो ये डिरेलर किस तरह का ख़राब हुआ है आप लोग को सबसे पहले हम दिखाते हैं, फिर आप लोग को आगे बताएंगे किस तरह से फिक्स करना है, किस तरह से रिपेयर किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले डिरेलर का जो ये लेग गार्ड आप देख रहे हैं, सेफ्टी गार्ड, तो इसे हम खोल के निकालते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं डिरेलर किस टाइप का ख़राब हुआ है। तो फटाफट हम इसे खोल लेते हैं। किसी किसी में ये जो आप सेफ्टी गार्ड देख रहे हैं डिरेलर का, ये आपका फ्रेम के साथ ही डायरेक्ट फिक्स होता है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान देते हुए खोल लेना है। ये देखिए हम खोल लिए हैं, अब हम आपको दिखाते हैं ये डिरेलर किस तरह का ख़राब हुआ है। सो गाइस सबसे पहले ये डिरेलर आप देखिए जैसा कि देख पा रहे हैं, अगर आपका सेम डिज़ाइन का डिरेलर होगा तो ये आपका रिपेयर हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, अगर आपका डिरेलर में ये प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है गाइस, जैसा कि आप डिरेलर देख लिए, अब चलिए ये डिरेलर ख़राब किस टाइप का हुआ हम आप लोग को दिखाते हैं। तो देखिए डिरेलर जो है गाइस इस टाइप में आपका रहेगा, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए डिरेलर आपका इस टाइप में रहेगा, ठीक है, तो इस टाइप में नहीं होने के वजह जब हम छोड़ दे रहे हैं तो ये देखिए सामने की ओर भाग जा रहा है। ठीक है गाइस, यानी इसका जो स्प्रिंग होता है गाइस वो स्प्रिंग जो है इसका हट चुका है, यानी उल्टा साइड में हो चुका है। ठीक है, इसका स्प्रिंग होना चाहिए इस तरह से खींच के रखेगा, ठीक है, डिरेलर का जो स्प्रिंग होता है इस तरह से खींच के रखेगा, लेकिन क्या हुआ कि ये जो स्प्रिंग है उलट गया है। इसका उलटने का रीज़न यही है गाइस कि ये मीडियम क्वालिटी का जितना भी साइकिल होता है गाइस सभी में ये प्रॉब्लम नहीं होता, कोई कोई बाय द वे साइकिल का डिरेलर में ही ये प्रॉब्लम होता है गियर साइकिल का। ठीक है गाइस, अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो इसे फिक्स कैसे करना है चलिए आप लोग को बताते हैं। उससे पहले जैसा कि हम आपको बताएं ये प्रॉब्लम होता है क्यों गाइस, जैसा कि हम लोग कहीं पर भी साइकिल को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, खड़ा करने के बाद कोई बच्चा वगैरह आया, गियर को खड़े खड़े में शिफ्ट कर दिया, अनशिफ्ट कर दिया, और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग साइकिल को डायरेक्ट ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ब्रेक करने की वजह से इसमें क्या होता है कि डिरेलर का जो सेटिंग होता है चेन का वो पूरा एकदम बिगड़ जाता है। ठीक है, बिगड़ने की वजह से कहीं कहीं चेन जो फंस जाता है, ठीक है, सेटिंग बिगड़ने के बाद ऑटोमेटिकली चेन फंस जाता है, तो चेन फंसने की वजह से जब ज़्यादा दबाव मिलता है तो ये स्प्रिंग क्या होता है कि अंदर का वो आपका ख़राब हो जाता है। ठीक है, यानी उल्टा साइड में अपोजिट साइड में घूम जाता है ऑटोमेटिकली, तो आप लोग को रिपेयर करते हुए दिखाएंगे इस टाइप का स्प्रिंग घूम जाता है आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे गाइस, जब बैक साइड की ओर करते हैं तो क्या होता है कई बार डिरेलर आपका पूरा टूट जाता है, डिरेलर का जो ये चक्री वगैरह होता है ये सब टूट जाता है, ये डिरेलर यहाँ से टूट जाता है। ठीक है, इस सिचुएशन में डिरेलर आपका रिपेयर नहीं होगा। चलिए आप लोग को बताते हैं ये रिपेयर किस तरह से होगा अगर इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपका साइकिल में हो जाता है तो। है, और आपका जो भी पैसा लगने वाला था 700-800 रुपया, ठीक है 700 या फिर 800 या फिर इससे भी अधिक, इससे भी कम में, तो वो पैसा को आप सॉलिड बचा सकते हैं। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, डिरेलर को फिक्स करने से पहले ये जो नट आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 5 mm एलेंकी लगेगा या फिर 6 mm एलेंकी लगेगा, बोल्ट को आपको खोल लेना है। तो ये देखिए हमारे पास जो है 3 इंच है एलेंकी वाला, जो कि हम खुद से ही बनाए हुए हैं। अगर आप खुद से ही इस तरह का स्पैनर बनाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ये वीडियो का लिंक, ठीक है, स्पैनर किस तरह से बनाया जाता है एलेंकी स्पैनर से टी स्पैनर, तो वो वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए ये बोल्ट को हम खोल लेते हैं डिरेलर का, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो ये देखिए बोल्ट को हम खोल लिए हैं। सो गाइस बोल्ट खुल चुका है जैसा कि देख पा रहे हैं। बोल्ट खोलने के बाद देखिए डिरेलर बाहर आ चुका है। तो जैसा कि आप डिरेलर देख पा रहे हैं तो देखिए डिरेलर में हम आप लोग को एक चीज़ पहले दिखाते हैं ये डिरेलर में प्रॉब्लम कहाँ हुआ,
ठीक है ख़राब होने का। तो जैसा कि ये डिरेलर आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर ही देखिए एक आपको लॉक दिख रहा होगा, ठीक है, डिरेलर का, जो कि फाइबर का होता है, ठीक है। ये फाइबर कुछ अलग हिसाब का होता है जो कि जल्दी ख़राब नहीं होता है। ये डिरेलर का जो यहाँ लॉक है, ये लॉक से हट गया, ठीक है। एक्स्ट्रा दबाव मिलने पर ये जो आप डिरेलर में एक्स्ट्रा और लॉक जो देख रहे हैं, ठीक है, इसमें दो तरह का लॉक होता है। एक आपका डिरेलर का जो लीवर आप देख रहे हैं, ये लीवर में होता है, ठीक है, लॉक, और एक आपको डिरेलर में लॉक होता है, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये क्या होता है कि एक्स्ट्रा जब दबाव मिलता है, अपना जगह से ही आपका खिसक जाता है, ठीक है, बाहर आ जाता है। तो यही प्रॉब्लम का वजह से डिरेलर खराब होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब इसे फिक्स कैसे करना है, चलिए आप लोग को बताते हैं। तो जैसा कि आपको हम बताएं खोलते हुए, तो एक चीज का आपको ध्यान देना है गाइस, कि जिस तरह से आप डिरेलर को खोलेंगे उसी तरह से फिट करना, ठीक है। हम ज़्यादा कुछ आप लोग को खोलते हुए नहीं दिखाएं, ठीक है, ना गियर वायर खोले हैं, ठीक है, ना चैन को खोले हैं, डायरेक्टली हम डिरेलर को खोले हैं। और डिरेलर को फिक्स करने के बाद, रिपेयर करने के बाद इसमें जब हम फिक्स करेंगे तो कोई भी चीज़ का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो जिस तरह से बता रहे हैं इस तरह से आपको कर लेना है, एकदम आसानी से हो जाएगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताना चाहेंगे, अगर आप साइकिल रिलेटेड में नॉलेजफुल वीडियो हमेशा देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन ऑल कर दे, लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला वीडियो है। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्रू ड्राइवर लेना है, और यहाँ पर जो ये लॉक आप देख रहे हैं, तो ये लॉक को थोड़ा सा आपको इस तरह से फैलाना है, ठीक है गाइस, एकदम आसानी से हो जाएगा, आराम से करना, कोई जल्दबाजी का काम ना करे, ठीक है, आराम से करें, ये जो लॉक है आपका, ये आपका फैल जाएगा, ठीक है। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं, तो इस तरह से आपको लॉक को फैला लेना, ठीक है गाइस, देखिए हम फैला लिए हैं, ठीक है। फैलाने के बाद आपको क्या करना है गाइस, इस तरह से घुमाना है, ठीक है गाइस। सो गाइस जैसे कि हम इस तरह से कर रहे हैं तो ये सही से नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे गाइस, ये जो गियर वायर है, ठीक है, ये गियर वायर को हम खोल लेते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपको गियर वायर को खोल लेना है और बाहर निकाल देना है, इसमें थोड़ा सा आपका सुविधा हो जाएगा, ठीक है, ताकि इस तरह से करेंगे डायरेक्टली तो नहीं होगा, हम करके देखें, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। इससे पहले हम बहुत सारे डिरेलर में किए हैं तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। गियर वायर खोल लेने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको घुमाना, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हम इस तरह से घुमाए हैं, ठीक है। तो देखिए हम आपको लॉक दिखाते हैं, तो ये देखिए लॉक जो है यहाँ पर ही आ गया है। इस तरह से आपको पकड़ करके क्या करना है, तोता प्लायर ले लें या फिर कोई अदर व्यक्ति का आपको जो है सहारा ले लेना है थोड़ा सा, ठीक है, कोई भाई वगैरह या दोस्त वगैरह, तो इस तरह से आपको पकड़ लेना, ठीक है, एगो वो पकड़ेंगे, एगो आप पकड़ करके, और इस तरह से आपको प्लायर से जो है हल्का सा इसे बेंड कर देना, ठीक है, ज़्यादा आपको नहीं करना, ठीक है, इस तरह से आपको बेंड कर देना। देखिए हम लॉक को बेंड कर दिए तो यहाँ देखिए लॉकिंग हो गया, ठीक है गाइस, अब ये डिरेलर एकदम सही से काम करेगा, देखिए, ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये डिरेलर आपका एकदम फिक्स हो गया। तो इस तरह से आपको डिरेलर को रिपेयर कर लेना है, फिक्स कर लेना है, जैसा कि आप देखें, तो इसे आपको थोड़ा सा ज़्यादा मोड़ देना गाइस, ठीक है, इस तरह से, चलिए हम मोड़ देते हैं और थोड़ा सा, तो आपको तोता प्लायर का ही मदद से होगा, तो तोता प्लायर आपके पास है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आपको हार्डवेयर शॉप में तोता प्लायर मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, हल्का सा बेंड करना, ठीक है, इस तरह से हल्का सा और बेंड कर देते हैं हम, सो गाइस तो ये देखिए हम एकदम अच्छे से बेंड कर दिए, हम आप लोग को दिखा देते हैं। सो गाइस जैसा कि देख पा रहे हैं हम अच्छे से एकदम बेंड कर दिए, तो लॉक हो गया एकदम अच्छे से, अब ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन गाइस फिर अगर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, अनशिफ्ट हो गया और आप ध्यान नहीं दिए, ठीक है, तो इस तरह का फिर प्रॉब्लम आपका हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये लॉक को सीधा करते समय आपको क्या चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, ये इसको आपको जो ज़्यादा नहीं करना है, जितना हम बताएं उतना ही करना है, उसके बाद जिस तरह से बताएं उस तरह से कर लेना, आपका आसानी से हो जाएगा। अब चलिए डिरेलर को हम साइकिल में फिट करते हैं, जिस तरह से डिरेलर को खोलेंगे उसी तरह से फिट करना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाथ से जो है डिरेलर का जो नट है, ठीक है, उसे हम टाइट करते हैं इस तरह से, हाथ से जितना हुआ हुआ, उसके बाद जो है हम स्पैनर लेने के बाद टाइट करते हैं। इस तरह से गाइस आपको फिट कर लेना है, ठीक है, जैसा कि आप देखें एकदम आसानी से फिट हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो गाइस डिरेलर को फिट करने के बाद जिस तरह से आप गियर वायर को खोलेंगे, ठीक है, उस तरह से आपको गियर वायर को फिट कर देना है। सो गाइस इस तरह से आपको गियर वायर को फिट कर देना है, ठीक है, और जिस तरह से आप यहां पर ही नट से खोलेंगे उस तरह से फिर आपको नट में फिट कर देना है इस तरह से, ठीक है गाइस। वीडियो को छोड़ के ना जाएं, थोड़ा सा काम और बाकी, आप लोग अच्छे से समझ जाइए, फिर आराम से कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। इस तरह से आपको जो है गियर वायर को फिट कर देना, जैसा कि देख पा रहे हैं हम फिट कर दिए हैं। सो गाइस डिरेलर फिट करने के बाद, गियर वायर फिट करने के बाद,
आपको देखना है सही से डीरेलर काम तो कर रहा है, सही से चेन शिफ्ट तो हो रहा है फ्रीव्हील में। तो चलिए हम देख लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग को बताते हैं। सो गाइस, तो इस तरह से आपको शिफ्टिंग करते हुए देखना है। सो गाइस, तो हमारा फॉल्स जा रहा, देखिए हम शिफ्ट किए तो ये नहीं हो रहा जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एक हमारा फॉल्स जा रहा, ये देखिए हमारा फॉल्स जा रहा, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्क्रू को जो है इस तरह से एडजस्ट स्क्रू को हम लूज़ करेंगे, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एडजस्ट स्क्रू को हम लूज़ कर दिए, ठीक है। लूज़ करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर घुमा करके देखेंगे और शिफ्ट करके देखेंगे। सो गाइस, तो अभी भी नहीं हो रहा, थोड़ा सा और हमें लूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से डीरेलर को अंदर की ओर करेंगे और ये एडजस्ट स्क्रू को खोलेंगे। अब फिर हम देखते हैं। सो गाइस, अब हमारा सही से एकदम शिफ्ट हो रहा जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है गाइस। ये देखिए एकदम आसानी से शिफ्ट हो रहा, लेकिन गाइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा सा फंस रहा कहीं कहीं जैसा कि देख पा रहे हैं। तो हल्का से इसे हमें जो है टाइट करना, ठीक है, एडजस्ट स्क्रू को। ये देखिए थोड़ा सा हम टाइट कर दिए तो ये अपना एकदम लेवल में आ गया और कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम आसानी से शिफ्ट भी हो रहा है। ये देखिए एकदम अनशिफ्ट भी हो रहा है और शिफ्ट भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपका साइकिल का रियर डीरेलर अगर ख़राब हो जाता है, ठीक है, जिस तरह से हम आप लोग को दिखाएं बताएं उस तरह से कर लेना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। आप लोग का जो पैसा खर्चा होने वाला था वो पैसा आपका सॉलिड बचेगा। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, जो सेफ्टी गार्ड आप खोलेंगे, ठीक है, डीरेलर का, वो सेफ्टी गार्ड को आपको लगा देना, ठीक है, जिस तरह से आप खोलेंगे उसी तरह से आपको फिट कर देना है। तो गाइस ये देखिए हमारा सेफ्टी गार्ड भी फिट हो गया, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है एकदम।